जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। श्री परम सत्यार्थी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव के प्यारे बच्चों, कई बच्चों की जिज्ञासाएं आ रही हैं, परंतु मैं इतना कहूंगा कि जो भी बच्चा अपनी जिज्ञासा भेजता है वो सुनी हुई और पढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अपना अनुभव, क्योंकि ये सत्संग हर प्रकार के जिज्ञासु सुनते हैं। राजयोग वास्तव में विद्या गुह्यतम शब्द आया है, ये गोपनीय है। इसको सिर्फ ब्रह्मदर्शी, तत्वदर्शी सतगुरुदेव भगवान ही वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्णन करना इसका असंभव है, क्योंकि इसमें शुद्ध मंजिल दर मंजिल चल के उसी में लीन हो जाता है। एक बहुत बड़ा हंड बोलना है, अंड में कोशिश जिसे कहते हैं, उसमें आत्माएं ब्रह्म रूप में समाई हुई है और उसी में से ये निकलती है और बाद में अपने कर्मों के अनुसार जन्म दर सब जन्म वो इस संसार में ही भटकती है। जब तक उनके कर्म पूर्ण नहीं हो जाते, परंतु कर्मों का पूर्ण होना बहुत मुश्किल है। उसी का ही हो सकता है जो अपना जीवन वैराग्यमय गुजारे, अपने सतगुरुदेव भगवान जी की सेवा प्रार्थना ही करता रहे। वास्तव में राजयोग तीन चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जो हमें महामंत्र मिला है, अक्षय ब्रह्म मिला है, सतगुरुदेव भगवान जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमें उसका पात्र समझा, पात्र समझ करके सतगुरुदेव भगवान जी ने अपनी दात के बख्शी है, नाम दिया है और हमारा सतगुरुदेव भगवान जी से एक संबंध बन गया, नाम का संबंध बन गया। नाम को चाहे चिंतन करते रहो, नाम का चाहे ध्यान करो, सुर को उधर बजाने की कोशिश करो या समाधि अवस्था में अपने आप को लीन करना, परंतु याद रखना ये सारी चीजें सतगुरुदेव भगवान जी की मेहर के बिना नहीं हो सकती। जैसे जैसे हमारे सतगुरुदेव भगवान हमारे पर मेहर करते हैं, उसी प्रकार से हमारी सुख आगे चलती है। परंतु भागवत गीता क्या कहती है? भागवत गीता कहती है सबसे पहले मनुष्य अपने कर्मों को सुधारे। मनुष्य अपने कर्मों को तो सुधारता नहीं है, कैसे कैसे कर्म हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, और कह रहे हैं कि मेरी सुध उस आसमान तक पहुंच जाए। कठिन है ना? अगर ऐसा होता है तो महात्मा को राजपाट छोड़ करके चले जाते। नचिकेता
प्रहलाद सूरदास कितने हम महापुरुषों के गिनती गिने जिन्होंने सर्वत्र अपना त्याग करके उस सिर्फ अपने सतगुरुदेव भगवान जी के सहयोग पाई थे। भगवान आए कहने लगे रुक जाओ पहले मैं अपने सतगुरुदेव भगवान जी की सेवा करूं। गुरु को पहले उनकी सेवा कर ली उसके बाद भगवान, क्योंकि सतगुरुदेव भगवान ही बताते हैं बल्कि उन्हीं का ये रूप हमेशा याद रखना। जब गुरुदेव निराकार होते हैं तो वो भगवान होते हैं। निराकार निराकार अवस्था में जब होते हैं तो वो भगवान होते हैं, और भगवान जिस समय साकार रूप में होते हैं तो गुरु जी होते हैं। कितना भेद है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जिस समय भी जयकारा बोलते हैं हम कहते हैं सतगुरुदेव भगवान की जय। निराकार होने पर उनकी आत्मा उस महान आत्मा में समा जाती है, एक बूंद सागर में समा जाती है। बूंद कहने लगी कि मैं क्यों सागर में जाऊं, मेरा अस्तित्व है। परंतु महापुरुष उसे समझाते हैं नहीं, आंधी आएगी, आकाश में गर्मी होगी, तो जल जाएगी, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि तो छोटी सी बूंद है, तेरा अस्तित्व नहीं है, तू सागर में मिल जा, और सागर तू सागर ही हो जाएगी। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि एक मटका है, पात्र मटका है, उसमें पांच छिद्र हैं, वो कैसे भरेगा। सतगुरुदेव भगवान कहने लगे वो भर जाएगा, उसको पानी में ही डुबो दो, पानी में ही डुबो दो, सर्वत्र बाहर पानी अंदर पानी। कबीर दास जी कहते हैं ना कि जल जल ही समाना ये पथ कहो ज्ञान, जल जल ही समाना, ये सुरत जब उसी में समा जाती है सर्वत्र समा जाती है तो सर्वत्र हो जाती है। राजयोग में सबसे पहले कर्मों को सुधारा जाता है। मैं इतना कहूंगा जिज्ञासुओं से, जो भी जिज्ञासा वो अपने अनुभव का बताओ ताकि अनेक जिज्ञासुओं का भला हो जाए। सुनी हुई और पढ़ी हुई की बात मत करो। अगर सुनी हुई और पढ़ी हुई की बात करनी है तो पिछले मैगजीन में मेरे कितने लेख थे, धारावाहिक लेख थे। सुनी हुई पढ़ी हुई बात करना है तो आध्यात्मिक जिज्ञासाएं एक किताब है उसमें पढ़ो। अगर सुनी हुई पढ़ी हुई बात करनी है तो सतगुरुदेव भगवान जी की एक छोटी सी पुस्तक समाधि विज्ञान उसको पढ़ के देखे। और देखना है तो श्री स्वरूप दर्शन में बाद में जितने उपदेश है उनको पढ़ने की कोशिश करो, आपको हल मिल जाएगा। पर प्रैक्टिकल हल क्या है कि सुरत जो महापुरुष कहते हैं, सुरत जब ऊपर के देशों को जाती है तो सबसे पहले सुरत का की अवस्था स्थूल अवस्था होती है, प्रकृति स्थूल होती है, उसके बाद अवस्था सूक्ष्म हो जाती है अथवा चेतन हो जाती है, उसके बाद कारण हो जाती है, और उसके बाद महाकारण हो जाती है जब उसमें समा जाती है। इसलिए सतगुरु के प्यारे बच्चों राजयोग में चलता हुआ
कोई भी पुरुष सबसे पहले ये सोचे, मेरी राय है कि उसके अंदर अगर ज्ञान ही लेना है तो अभिमान नहीं आना चाहिए। ज्ञान और अभिमान दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर अभिमान आ गया तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, और ज्ञान आया तो अभिमान खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का अंतिम छोर, अंतिम किनारा भक्ति है। जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को उस अवस्था में देखता है जहां पर स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश ही प्रकाश है, और मेरे सद्गुरुदेव भगवान वहां पर विराजमान है, तब मनुष्य ये सोचता है हम अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को सिर्फ इंसान के रूप में देखते हैं, ये उनकी लीला है। वास्तव में इंसान के रूप में वो हमारे सामने हैं। आज तक जितने भी देवी देवता हुए सारे मनुष्य रूप में हुए, क्योंकि मनुष्य को शिक्षा लेने के लिए उनको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ता है, मनुष्य का रूप धारण करना पड़ता है। उसी प्रकार से वो संसार में सब खाना पीना रहना सोना बैठना सब कुछ वो मनुष्यों की तरह ही करते हैं। यहाँ तक कि विष्णु भगवान जी ने अगर अवतार लिए तो मनुष्य रूप में देखो आकर के भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे बने और कितनी लीलाएं की। इसलिए वो हमें शिक्षा देते हैं कि राजयोग में हमेशा मनुष्य अपनी स्थिरता को चलो। अजीब सी ये शिक्षा है, वैसे विद्या अजीब सी है। नाक कान मुंह ढककर नाम निरंजन ले, बार बार से किवाड़ बंद कर दे, बार से विचार बंद कर दे, बार के विचारों को इतना बंद कर दे, अंदर के विचारों को खोल। ये जो नदियां पार बैठती हैं ये अंदर भी तो बह रही है, मनुष्य को क्या पता मनुष्य की कितनी नाड़ियां हैं, नाड़ियों में खून प्रवाहित हो रहा है, क्या मालूम है। यहाँ पर अंदर पर्वत नहीं है, नदी नहीं है, अग्नि तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है, पृथ्वी तत्व नहीं है, आकाश तत्व, क्या चीज नहीं है इसमें। सभी उस ईश्वर ने मनुष्य को जो बनाया है एक रूप बनाया है, और इसी में ये चलता चलता राजयोग की विद्या देने के लिए महापुरुष अवतरित होते हैं, संसार में आते हैं। संसार में आकर के हर जिज्ञासु को अजीब चीज देखे। आप किसी फैक्ट्री में नौकर अगर हो तो फैक्ट्री मालिक ये आपको नहीं कहेगा कि आप मालिक बन जाओ, परंतु सद्गुरुदेव भगवान हमें इतनी शिक्षा देते हैं, यहाँ तक पहुँचा देते हैं कि स्वयं वो गुरु बन जाते हैं। परंतु मैं सभी साधकों को कहूँगा कि ज्ञान प्राप्त करो, राजयोग प्राप्त करो, समाधि लगाओ, सिमरन करो, ध्यान करो और समाधि लगाओ। ज्ञान को प्राप्त करो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करो, पर अपनी सेवा मत छोड़ो, पर अपनी श्रद्धा मत छोड़ो, पर अपने संसार में रहते हुए भी अपने ईश्वर के प्रति पूरी वफादारी, उनके श्री चरणों में झुकना, उनके नाम को फैलाना, ये एक प्यारे पुत्र का कार्य होता है। हमने उनके नाम को फैलाना है, राजयोग का ये मतलब है, योग हमने उनसे जुड़ना है, जुड़ करके उनसे तक उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है। और शिक्षा प्राप्त देखो, शिक्षक हमेशा शिक्षक रहता है, अध्यापक हमेशा अध्यापक रहता है, और स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट रहता है। आप देखो कि कभी एक बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है,
पर उसे अपना अध्यापक रास्ते में चलता हुआ कभी मिल जाए बाई चांस तो एकदम उनके चरणों को छुएगा। क्यों? क्योंकि इसी के इस अध्यापक के कारण ही मैं आज इतना ज्ञानी बना। तो इसलिए सतगुरुदेव के प्यारे बच्चों, एको ब्रह्म बहुधा श्याम, एक ही विचार से ये आत्मा एक से अनेक हुई और मनुष्य राज्यों को अपना करके बाद में अनेक से एक होगा। यही खेल है, एक से अनेक होना और अनेक से एक, यही खेल है। और इसीलिए वास्तव में चार अवस्थाएं होती हैं। पहले सुख मंजिल दर मंजिल चलता हुआ स्थूल होता है, प्रकृति होती है, स्थूल प्रकृति होती है, फिर चेतन होती है, फिर कारण होती है, फिर महाकारण होती है, उसे लीन हो जाता है। इसलिए सतगुरुदेव के प्यारे बच्चों, जिज्ञासाएं हैं, राज्यों को अपनाओ परंतु अपनी भक्ति को भूल मत जाना, अपनी सेवा को भूल मत जाना, अपने आदर सत्कार को भूल मत जाना। नहीं तो यही राजयोग की विद्या यही किसी काम नहीं आएगी। जैसे कर्ण को श्राप मिला था, ये विद्या नहीं आएगी किसी काम का। इसलिए सतगुरुदेव के प्यारे बच्चों, ये राजयोग बहुत गहरा है। धीरे धीरे अगर समय मिला तो प्रवचनों में राजयोग पर प्रवचन होंगे और आप इसकी गहराइयों को सुनेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सतगुरुदेव भगवान की जय।